हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अजय कुमार और आज मैं आपको C++ की टाइम अटेंडेंस मशीन के बारे में बताऊंगा कि हमारे पास कितने टाइप्स की टाइम अटेंडेंस मशीन आती है और व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ टाइम अटेंडेंस मशीन, हमें क्या बेनिफिट है इसका टाइम अटेंडेंस मशीन का लगाने का, प्लस क्या क्या हमें रिक्वायरमेंट होती है कस्टमर से कि किस टाइप की हमें मशीन परचेज करनी चाहिए हमारे इंस्टीट्यूट के लिए या स्कूल के लिए, प्लस इसका हार्डवेयर डिस्क्रिप्शन की हमारे पास कितने टाइप्स की मशीन्स आती हैं। तो हम लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। तो मेन एजेंडा हमारे पास इसमें आया था, हमारे पास हम चार टॉपिक इसमें कवर करेंगे। सबसे पहला व्हाट इज टाइम अटेंडेंस सिस्टम, सेकंड उसका बेनिफिट्स क्या है टाइम अटेंडेंस सिस्टम का लगाने का, थर्ड कंसिडरेशन फॉर टाइम अटेंडेंस सिस्टम, सेकंड फोर्थ इसका हमारे पास आता है व्हाट इज द हार्डवेयर डिस्क्रिप्शन, कौन कौन से हार्डवेयर हमारे पास अवेलेबल है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम टाइम टेंडर्स की। टाइम टेंडर्स क्या होता है? टाइम टेंडर्स हमें एक पहले क्या होता था कि हमें जितने भी अटेंडर्स का डाटा होता था वो मैन्युअली हमें रजिस्टर पर नोट करना होता था कि कोई भी एम्प्लॉय किस टाइम आया या किस टाइम गया। तो अब इतने एम्प्लॉयज हैं, मान लो आपके किसी ऑफिस में 100 एम्प्लॉयज हैं, 200 एम्प्लॉयज हैं, तो अगर हम उसका डाटा मैनुअली लिखने लग गए तो हमें बहुत ज़्यादा टाइम हमारा कंज्यूम होता है, प्लस उसको क्रॉस वेरिफिकेशन में बहुत इश्यूज आते हैं कि वो आया या किस टाइम आया या किस टाइम गया। तो उस चीज़ों को दूर करने के लिए हमने टाइम अटेंडेंस मशीन निकाली है। उसका क्या बेनिफिट है कि अगर आप ये लगाओगे तो उसमें हमारे पास जितना भी डाटा होगा वो आप डिजिटली आप इसको देख सकते हो। अब इसमें क्या होता है कि हमें एक यूनिक आईडी मिल जाती है हर एम्प्लॉय को। जब भी कोई एम्प्लॉय पंच करेगा अपनी फिंगरप्रिंट मशीन पे या उसको कोई कार्ड हमने इशू करा था तो कार्ड वो मशीन को शो करेगा, तो उसका एक यूनिक आईडी के अगेंस्ट उसका पंच सेव हो जाएगा कि वो किस टाइम पे उसने एंट्री करी है ऑफिस के अंदर। प्लस सेम जब भी उसका काम खत्म हो गया और वो जब भी वापस जाएगा तो सेम दोबारा पंच करेगा या अपना कार्ड शो करेगा तो दोनों उसका इन और आउट टाइम दोनों सेव हो जाएगा। और हम उसका जो जो डाटा सेव मशीन ने सेव किया है हम उसको पेन ड्राइव के थ्रू बैकअप ले सकते हैं, प्लस हमारे पास सॉफ्टवेयर आता है, हम सॉफ्टवेयर के थ्रू भी बैकअप ले सकते हैं। तो हमें मैन्युअली एंट्री की क्रॉस चेक करने की जरूरत नहीं है एट द एंड ऑफ द मंथ। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं व्हाट आर द मेन बेनिफिट्स ऑफ टाइम एंड अटेंडेंस मशीन। सबसे पहले हमारे पास आता है कि इसमें पेरोल फ्रॉड नहीं कर सकता एम्प्लॉय कोई भी, या कोई भी हमारे पास एम्प्लॉय है वो बोलता है कि मैं इस दिन आया या मैं इस दिन नहीं आया, तो उस केस में अगर हमने मशीन से डाटा निकाल रखा होगा तो वो आपका प्रॉपर एक्यूरेट डाटा निकलेगा, उसमें आप ना कोई मैनुअल एंट्री कर सकते हो ना मैनुअल एंट्री डिलीट कर सकते हो। सेकेंड, ये जो डाटा होगा हमारे पास ये प्रॉपर सिक्योर्ड डाटा होगा जिससे आप कोई छेड़खानी नहीं कर सकते, प्लस एक्यूरेसी इसकी आपकी पूरी 100% एक्यूरेसी होगी। सेकेंड जो हमारे पास इसमें हम एक बेनिफिट ये है कि हम अपने एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस या कुछ भी वर्क अटेंडेंस से उसकी परफॉर्मेंस कैलकुलेट कर सकते हैं कि वो किस प्रॉपर वर्क पे आ रहा है या किस टाइम नहीं आ रहा है, किस टाइम लेट आ रहा है, वो प्रॉपर चेक कर सकते हैं। सेकेंड, हमारे पास एक सॉफ्टवेयर मिल जाता है, अगर आपके मानो एग्जांपल लेते हैं हमारे पास आपके 5 या 6 ऑफिस हैं डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस पे, तो हमारे पास एक सॉफ्टवेयर आता है जो एक जितने भी आपके अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस पे मशीन लगी है उनको जितना भी डाटा है वो सारा आप एक कंट्रोल रूम में या मेन हेड ऑफिस में आप उसको देख सकते हो कि और ट्रैक कर सकते हो हर एम्प्लॉयज को। इससे आपका एक बेनिफिट और है कि आप ये पता लगा सकते हो कि आपके एम्प्लॉयज ने कितने वर्किंग आवर्स दिए हैं और उससे आपका टोटल लेबर कॉस्ट कंट्रोल हो जाएगा जिससे आपकी कंपनी को बेनिफिट होगा। जब हम किसी कस्टमर के पास जा रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए कि हमें क्या क्या पॉइंट्स कस्टमर से पूछते हैं कि उसके रिक्वायरमेंट से हम बेस्ट मशीन को सेल कर सकें। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता होना चाहिए कि कौन सी आप मशीन को दे रहे हो।
सेकंड उसमें हमें ये पता होना चाहिए कि उसके कितने एम्प्लॉयज हैं, कि उसको रिक्वायरमेंट है 200 एम्प्लॉयज या 300 उसके एम्प्लॉयज हैं, उस हिसाब से हमें मशीन उनसे सेल करनी है। थर्ड, व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ अटेंडेंस लॉग रिपोर्ट, कितने उसकी लॉग रिपोर्ट है मशीन की, कितने वो डाटा सेव कर सकता है लॉग। सेकंड, नेक्स्ट हमारे पास आता है कि वो बैटरी ऑपरेटेड है या नहीं है। मशीन में मानो लाइट चली गई आपकी, तो बैटरी से ऑपरेट हो सकती है या नहीं हो सकती। थर्ड, या तो वो मैग्नेटिक स्वाइप कार्ड सपोर्ट करती है या नहीं करती। नेक्स्ट, उसका रिपोर्टिंग रिपोर्ट जनरेटिंग सिस्टम क्या होगा, एक्सेल में देगी या पीडीएफ में वो डाटा रिपोर्ट निकालेगी। नेक्स्ट हमारे पास आता है उसका प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, हमारे पास कितने टाइप्स की मशीन है। नॉर्मली सीपी प्लस में हमारे पास 3 टाइप्स की मशीन आती है। फर्स्ट हमारे पास आती है ये वाला मॉडल सीपी बीटीए T2324। इसका मैं आपको शॉर्ट में जल्दी जल्दी बताता हूँ क्या क्या इसमें इन तीनों में डिफरेंस है। बस इसमें फिंगर कैपेसिटी हमारे पास 500 आती है, मीन्स आप 500 फिंगर्स में नोट कर सकते हो। मैनेजमेंट रिकॉर्ड 1000 का है इसमें। स्टोरेज में जो हमारे पास लॉग रिपोर्ट है वो आप 1.5 लाख लॉग रिपोर्ट सेव कर सकते हो। सेकंड, इसमें आइडेंटिफिकेशन फिंगरप्रिंट से आप इसको अपना पंच कर सकते हो या आईडी कार्ड से इसको इसमें डाटा सेव कर सकते हो। सेकंड, इसमें कम्युनिकेट पोर्ट सिर्फ यूएसबी से आप डाटा पैक कर सकते हो। सेकंड हमारे पास आती है मॉडल CPMTA F1043। इसमें हमारे पास आपको थोड़ी सी एलसीडी का डिस्प्ले जो थोड़ा बड़ा मिल जाएगा, प्लस इसकी फिंगरप्रिंट की कैपेसिटी इंक्रीज हो जाएगी 1000। मैनेजमेंट रिकॉर्ड सेम रहेगा, लॉग रिपोर्ट इसकी जो स्टोरेज कैपेसिटी होगी वो 1 लाख है। प्लस इसमें हमारे पास 3 टाइप्स के में इसमें पंच कर सकते हो, लाइक फिंगरप्रिंट, आईडी कार्ड प्लस ईएम कार्ड। प्लस इसमें आप सॉफ्टवेयर के थ्रू लैंप के थ्रू बैकअप ले सकते हो, प्लस यूएसबी के थ्रू। थर्ड आती है हमारे पास CPMTA F3043। इन दोनों में सिर्फ एक ही डिफरेंस है, इसमें हमारे पास 1000 फिंगरप्रिंट्स, इसमें हमें 3000 फिंगरप्रिंट्स सेव कर सकते हो। प्लस इन दोनों में हमारे पास ऑनलाइन आप डाटा इसमें देख सकते हो, अगर आपके मानो डिफरेंट लोकेशन पे मशीन्स लगी हैं तो दोनों मशीन्स आपकी ऑनलाइन हो जाएंगी। प्लस हमें एक इसका ये है, हमें एक स्टैटिक आईपी हमें चाहिए होगा इन दोनों मशीन को ऑनलाइन व्यू करने के। अब नेक्स्ट इसका हमारे पास आ जाता है बट आर द एडवांस फीचर्स ऑफ दिस CP10। अगर किसी कस्टमर को या क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है कि उसको मेल भी चाहिए कि उसका जो भी इम्प्लॉय है कब आया किस टाइम आया, तो वो अर्ली एब्सेंट और पंच मेल उसको इम्प्लॉय को भी देगी और आपके एचओडी को भी देगी। नेक्स्ट इसका मेन एडवांस फीचर आ जाता है आपका SMS का। अगर मान लो आपने किसी स्कूल में मशीन लगा रखी है और कोई पेरेंट्स चाहता है कि जब भी मेरा बच्चा कोई या प्रिंसिपल चाहते हैं कि टीचर किस टाइम इन हुआ किस टाइम आउट हुआ, तो आपको एक SMS अलर्ट चला जाएगा आपके मोबाइल पे। सेकंड, जैसे मैंने पहले बताया कि आप उसको क्लाउड के थ्रू, या अगर आपके पास स्टैटिक IP है और आपने एक सर्वर बनाया हुआ अपने हेड ऑफिस में, तो डिफरेंट लोकेशन पे जो मशीन लगी है उनका जितना भी डाटा है वो यहाँ पे आप डाउनलोड कर सकते हो और देख सकते हो कि कौन इम्प्लॉय किस टाइम आया। नेक्स्ट इसका मेन एक एडवांस फीचर हो रहा है कि आप इसमें हमारे पास डिफरेंट मल्टीपल टाइप्स ऑफ रिपोर्ट्स आप जनरेट कर सकते हो, लाइक डेली रिपोर्ट, मंथली रिपोर्ट। और अगर आपने सॉफ्टवेयर में प्रोविजन है कि आपने लॉग रिपोर्ट डाउनलोड करने हैं, समरी लॉग रिपोर्ट्स, तो वो भी आप डाउनलोड कर सकते हो। थैंक्स, ये था टाइम मैनेजमेंट के बारे में।